सिद्दीक अकबर ने जो नेकी की है वो झूठ बोलकर भी अब कोई नहीं कर सकता। उसकी बराबरी की बात अगर करेगा तो उसका झूठ फौरन आया हो जाएगा। वो एक रात की नेकी कौन सी है? वो एक रात की वो नेकी है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की रात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आपको उस रात की नेकी का अंदाजा और उससे बड़ी नेकी, मैं बड़ी नेकी की बात कर रहा हूँ, उस दिन की नेकी है जिस दिन की नेकी पर हम सब कुर्बान होना चाहते हैं। एक रात और एक दिन की नेकी ने अबू बकर की पूरी उम्मत पर एहसान कर दिया है। वो एक रात की नेकी तो वो थी जो शबे हिजरत थी। थोड़ा सा उसकी तरफ हल्का सा इशारा देकर फिर आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है, हबीब चारों तरफ से मक्के के गुंडों ने तेरे घर को घेर लिया है, इसलिए आप अपने घर के बाहर निकले और आप अपने यार अबू बकर को लेकर हिजरत करें और मदीने मुनव्वरा रवाना हो जाए। उस वक्त मदीना मदीना ना था, उस वक्त मदीने मुनव्वरा यसरिब कहलाता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद जनाब मौलाए कायनात शेरे खुदा अली मुर्तजा को अपने बिस्तर पर लिटाते हैं। बड़ी मशहूर रिवायत है, वाकया नहीं बयान करना, सिर्फ उस रात की नेकी की अहमियत बयान करना है। अपने चचाजाद भाई को सरकार अपने बिस्तर पर लिटाते हैं और सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए जैसे निकले वो लोग यूं कड़ा बनाकर जो है वहां पर खड़े हुए थे और उनके पास तलवारें मौजूद थी। अल्लाह के हबीब सूरह यासीन शरीफ की आयतें पढ़ते हुए जब निकले हैं तो उनको खबर न हुई है, लेकिन जैसे उनके नरगे से बाहर निकले हैं तो आपने क्या देखा? जो रास्ता हरम से यसरिब की तरफ जाता था उस रास्ते पर एक दुबले पतले वजूद वाला गोरे रंग का आदमी साजो सामान लेकर के खड़ा है, जैसे तैयार है वो किसी सफर पे जाने के लिए। मक्के वाले आधी रात के बाद सफर न करते थे, अरब वाले आधी रात के बाद सफर न करते थे, मुसाफिरीन अकेले सफर